भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सेंट जॉर्ज पार्क में भी बारिश ने मैच में दस्तक दी और बारिश की वजह से भारत की पारी पूरी नहीं हो पाई। 19.3 ओवर में भारत ने 7 विकेट खोकर 180 रन बनाए। इसके बाद डीएलएस के तहत दक्षिण अफ्रीका को 15 ओवर्स में 152 रन का टारगेट मिला, जिसे टीम ने 13.5 ओवर में हासिल कर लिया। इस मैच को साउथ अफ्रीका ने 5 विकेट से अपने नाम किया और सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की। दरअसल भारतीय टीम की खराब शुरुआत के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टीम की पारी को संभाला और 36 गेंदों का सामना करते हुए 5 चौके और 3 छक्कों की मदद से 56 रन की पारी खेली। वहीं रिंकू सिंह ने 39 गेंदों पर 68 रन की नाबाद पारी खेली और टीम इंडिया को ये स्कोर खड़ा करने में अहम योगदान दिया। वहीं साउथ अफ्रीका की तरफ से गेराल्ड कोर्जी ने 3 विकेट झटके, जबकि मार्को यानसन, लिजाद विलियम, तबरेज शमसी और एडन मार्करम को एक एक सफलता मिली। 152 रन का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका टीम से रिजा हेंड्रिक्स और मैथ्यू ने तेज दर्रार शुरुआत की। पहले ओवर में मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने आए, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने जमकर रन बटोरे। इसके अगले ओवर में अर्शदीप सिंह महंगे साबित हुए। दूसरे ओवर डालने आए अर्शदीप के ओवर में कुल 24 रन बटोरे गए। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने भारत को सफलता दिलाई। रिजा हेंड्रिक्स ने 49 रन की अहम पारी खेली। उनके अलावा एडन मार्करम ने 30 रन बनाए। एंडिले फेलुपायो ने छक्के के साथ मैच को फिनिश किया। टॉस गंवाने के बाद भारतीय टीम के दूसरे T20 मैच में शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम के ओपनर 6 रन के टीम स्कोर पर आउट हो गए। पारी की तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल मार्को जॉनसन के जाल में फंसे और डेविड मिलर ने बिना कोई गलती करे उनका कैच लपक लिया। वहीं सुमन गिल भी बिना खाता खोले ही आउट हुए। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा की जोड़ी ने टीम की पारी को संभाला और स्कोर 50 रन के पार पहुंचाया। कप्तान सूर्या ने 48 गेंदों का सामना करते हुए 56 रन की पारी खेली। वहीं रिंकू सिंह ने T20 कैरियर का पहला अर्धशतक जमाया।